बंडा तहसील के क्रिकेट में हटकर नाम कमाने वाले जैन समाज के गौरव भैया ऋषभ जैन को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप पर कुंडलपुर के बड़े बाबा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। सौजन्य विजय इलेक्ट्रिकल्स, विजय मोबाइल्स, बांद्री रोड, बंडा। बॉलीवुड उस देश के महान कलाकार अमिताभ बच्चन वो शख्सियत हैं जिनसे जो मिलते हैं बस मानो जिंदगी के ख्वाब पूरे हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी महिला थानेदार से मिला रहे हैं जिससे पैसा भी मिला, जिसे इस देश की सबसे चर्चित टीवी शो की हॉट शीट भी मिली, जिसे अमिताभ बच्चन भी मिले। मध्य प्रदेश के पिछड़े बुंदेलखंड के सागर शहर की महिला थानेदार यानी जो सब इंस्पेक्टर है, बीते दिनों करिश्मा कर दिया और इकलौती सागर की तरफ से केबीसी की हॉट शीट पर बैठकर स्टार बन गई। यह निमिषा चौधरी हैं जो सागर के पीटीएस में महिला थानेदार हैं। यह मूलतः टीकमगढ़ जिले के एक बेहद पिछड़े गांव की रहने वाली हैं। सागर में इनकी शादी एक कंप्यूटर आईटी सेंटर चलाने वाले हैरी से हुई थी। यह केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति देखती थी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद परिवार का सहयोग मिला और फिर 2 सेकंड में तमाम प्रतिभागियों के बीच सबसे फास्ट जवाब देकर यह कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर जा बैठी। याद दिलाया कि आपको रजिस्टर करना है, तो उनने रजिस्टर करवाया। फिर उसके बाद में जब मुझे फर्स्ट डे आइडियल कॉल आया था तब भी मुझे यकीन नहीं था, मुझे ये लगा कि फ्रॉड कॉल है। पर कहीं ना कहीं फिर जब वो उसने सुना, 3 क्वेश्चन उनने पूछे, तो थोड़ा सा यकीन हुआ कि नहीं, फ्रॉड कॉल नहीं है, एक्चुअल में केबीसी का कॉल है। तो ज्यादा समय मेरे पास नहीं था, मुझे 1 से 1.5 महीने का ही टाइम मिला। उस ड्यूरेशन में जॉब के साथ में और बेबी के साथ में जितना जो वक्त मिला मुझे, तो मैंने पुराना रिवाइज किया थोड़ा बुक से, और थोड़ा ज्यादा मैंने प्रेफर किया यूट्यूब से, क्योंकि बच्चे के साथ में आप बुक्स लेकर के नहीं पढ़ सकते हो। तो जितना जो नेट वगैरह पे अवेलेबल हुआ, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, थोड़ा बहुत मैंने वहीं से देखा। कौन बनेगा करोड़पति का 13वां सीजन का प्रसारण शुरू हुआ है जो 23 अगस्त से जारी है। बीते दिन इसका प्रसारण हुआ था जिसमें निमिषा 1,60,000 रुपए जीत चुकी हैं। आज उनका प्रसारण होगा जिसमें डबल प्राइज जीतने की उम्मीद बताई जा रही है। निमिषा के ख्वाब सच हुए। वो कुछ महिलाओं को नसीहत देना चाहती थी कि बुंदेलखंड में पर्दा प्रथा, पिछड़े गांव से लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना, यह दंश सुन के दिल में चुभते रहे। सागर की इस महिला थानेदार के हौसले और जज्बे को हम सलाम करते हैं। जी, ये हमारे लिए एक बहुत हर्ष की बात है, और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, आज मेरे माता पिता नहीं है लेकिन उनके लिए भी एक बहुत बड़ी हर्ष की बात होती। मेरी सिस्टर्स के लिए भी सभी के फोन आ ही रहे हैं कंटिन्यूसली, कब शो आना है। एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि वहां पे जब हमको ये लगता है कि हम शो देखते हैं कि ये तो इसने लाइफलाइन ले लिया, तो ये इसने ये भैया, वहां पे जिस समय आप सामने बैठे होते हो उस समय जो आपका दिमाग होता है वो एक प्रेशर कुकर के अंदर होता है। डिसीजंस लेना या डिसीजंस देना यहां से बहुत आसान होता है, पर वहां जब लाइफ प्रेशर हमने देखा, जितना प्रेशर हमारे ऊपर होता था जब हम उसको पीछे बैठ के देख रहे होते थे, हमसे 10 गुना ज्यादा प्रेशर वो झेल रही है जब वो हॉट सीट होती। तो हमने इस चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि प्रेशराइज होके भी हम कैसे परफॉर्म कर पाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज निमिषा के साथ ये बहुत अच्छी चीज है कि वो कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई और कंटिन्यूसली अपनी मेहनत करती रहती है। बच्चा वो परेशान बहुत करता है, छोटा है अभी, हमारे साथ शोरूम की राहत इंदौरी का एक शेर हमें याद आता है कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, जान पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। इस बुंदेलखंड में कभी महिलाओं और लड़कियों को पीछे रखकर समाज में पुरुष वर्ग का दबदबा कायम था, लेकिन जब से महिलाओं ने एक कदम आगे बढ़ाया है तब से यह लगने लगा है कि महिलाओं की यह यलगार कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों से भी महिला कई ऊपर जाने वाली दिख रही है। वक्त का इंतजार करें, आने वाला वक्त बेटियों का होने वाला है। हम इस महिला थानेदार के जज्बे, मेहनत और उनके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। वसीम कुरैशी के साथ नफीस खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर।